नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया, पिछले क्लास में अपन पढ़े थे साम्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज की क्लास में अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गुड्स की डेफिनेशन, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन सर्विसेज की डेफिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं। क्या बोलते हैं? गुड्स को बोलते हैं वस्तुएं, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेवाएं। सर्विसेज को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेवाएं। अपने को सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़नी है, इसके बाद में क्या पढ़ना है? इसके बाद में टाइप्स पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं दोस्तों? वस्तुओं के। गुड्स के क्या पढ़ना है? टाइप्स पढ़ने हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गुड्स की डेफिनेशन की। पहले मैं लिखवा देता हूं, इसके बाद में समझाऊंगा, आप भी नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। गुड्स किसको बोलते हैं दोस्तों? वस्तुएं। किसको बोलते हैं? वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसको किसकी बात हो रही है? मनुष्य को अब देखिए दोस्तों ध्यान से, गुड्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु। ये वस्तुओं की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? वे सभी पदार्थ जो क्या करते हैं? मनुष्य की जो भी मतलब मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य को, उसकी क्या करती है? पूर्ति करती है, और उसको क्या प्रदान करती है? संतुष्टि प्रदान करती है। वे सभी पदार्थ जो क्या करते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है, और उसको क्या करती है? संतुष्टि प्रदान करती है। उसको गुड्स कहते हैं या वस्तुएं कहते हैं। आई होप आप सभी को गुड्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। वो क्या करती है? वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और क्या करता है? और उसको संतुष्टि की प्रदानता करता है, या संतुष्टि प्रदान करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों सर्विसेज की डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे दोस्तों? सर्विसेज, सेवाएं क्या होती है। देखिए दोस्तों, सेवाएं किसे बोलते हैं? लिखिए पहले डेफिनेशन को। वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप रूप से पूर्ति करती है
इसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। वे सभी क्रियाएं जो क्या करती है, मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, पूर्ति करती है, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेवाएं बोलते हैं या सर्विसेज बोलते हैं। सेवाओं का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इनका एग्जाम्पल है डॉक्टर एंड इंजीनियर भी लिख सकते हो, डॉक्टर और क्या हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। वे सभी क्रियाएं जो क्या करती है, मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, पूर्ति करती है, उनकी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, सर्विसेज के एग्जाम्पल है। दोस्तों अपन ने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन की तो बात कर ली, अब अपन चर्चा करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं के प्रकार की। देखिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, किसके टाइप्स की, गुड्स के टाइप्स की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो गुड्स के टाइप्स है, ये गुड्स की डेफिनेशन जो अब जो भी कॉन्सेप्ट चलेंगे, जैसे गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गई, वॉन्ट्स हो गई, डिजायर हो गई, इनकी तो क्या पूछता है, इनकी तो पूछता है एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह। और कभी कभी क्या पूछता है, जैसे टिप्पणी में क्वेश्चन आ जाएगा कि गुड्स की डेफिनेशन देते हुए इसके प्रकारों को समझाइए, तो अपन चर्चा करते हैं प्रकारों की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुड्स के टाइप्स वाला, गुड्स के टाइप्स की चर्चा करते हैं। पहले पहला टाइप की बात करते हैं, पहला है मटेरियल, मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। इन गुड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नाम क्या है, सभी के सेम सेम मिलेंगे पर आपको इनमें डिफरेंट आना चाहिए। ये टाइप पहला ये है, वन हो जाएगा, इसी में आ गया ये मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। अब बात करते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक वस्तुएं, इसको अभौतिक वस्तु। सही, अब देखिए दोस्तों इसमें जो मटेरियल गुड्स हैं और नॉन मटेरियल गुड्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी डेफिनेशन की अपन चर्चा करें तो इनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है मतलब टच किया जा सकता है, इनका वजन भी होता है, और ये क्या करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे उर्वरक आ गया, मशीन आ गई, औजार आ गए, अनाज आ गया, ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे दोस्तों मटेरियल गुड्स में। मटेरियल गुड्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे दोस्तों, वे वस्तुएं जिनको देखा जा सके, छुआ जा सके, और जिनका क्या हो, वजन हो, और वो क्या करे, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे, उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, मटेरियल गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भौतिक वस्तुएं बोलेंगे। और इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा जैसे फर्टिलाइजर हो गया, मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, सीरियल्स हो गए मतलब उर्वरक, मशीन, औजार और अनाज हो गए। ये सभी किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सभी है भौतिक वस्तुओं के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, भौतिक वस्तुएं। अब जो अभौतिक वस्तुएं हैं, जस्ट इसके अपोजिट है। देखिए दोस्तों अब जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, इनको टच भी नहीं किया जा सकता, और ये क्या करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या करती है दोस्तों, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगी, पर इनको ना ही तो देखा जा सकता और ना ही इनको
छुआ जा सकता। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन अगर अपन बनाएं तो क्या डेफिनेशन बनेगी, वे सभी वस्तुएं जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, और वो क्या करें, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन मेटेरियल गुड्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन मेटेरियल गुड्स। अब देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे डॉक्टर हो गया और नृत्य की कला हो गई या कोई मतलब अभिनेता हो गया, एक्टर बोल सकते हैं अपन उसको, एक्टर एक्ट्रेस जो भी हो। अब डॉक्टर हो गया, नृत्य की कला हो गई, टीचर भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसकी बात हो रही है। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर को तो अपन जाके टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वो आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। पर दोस्तों, डॉक्टर जो इंसान है उसकी बात नहीं हो रही इस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति। किसकी बात हो रही है दोस्तों, आवश्यकताओं की पूर्ति। मतलब डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करेगा, डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करेगा, तो उसमें क्या है, एक कला है, उसमें क्या है, कला है। शिक्षक अगर किसी स्टूडेंट को ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें कला है। अपन यहाँ पर बात किसकी करें, जो कला है उनमें उसकी बात कर रहे हैं, उसको उस कला को ना तो देखा जा सकता, ना तो उस कला को देखा जा सकता, और ना ही उसे कला को छुआ जा सकता। अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरे अंदर जो भी कला है, जो मैं मतलब ये जो मेटेरियल है, जो भी मेरे को याद है या जो भी है, इसको आप ना तो छू सकते और ना आंखों से देख सकते, सही, इसको ओनली आप सुन रहे हो। आया समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, इनकी कलाओं की बात कर रहा हूँ। कलाएं क्या है, अभौतिक वस्तुओं में आती है। किस में आती है, अभौतिक वस्तुओं में आती है, और इनका क्या नहीं किया जा सकता, ये हस्तांतरण ये भी नहीं है, हस्तांतरण मतलब इनको एक किसी को मतलब बेच भी नहीं सकते, एक इंसान से दूसरे स्थान को। जैसे मान लो टीचर हैं, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरी कला दूसरे को नहीं बेच सकता, किसी इंसान को मेरी कला नहीं बेच सकता मैं। हाँ, सिखाने की प्रयास कर सकता हूँ, पर किसी को बेच नहीं सकता कि मेरे अंदर है, मैं निकाल के किसी को दूसरे को ये कला देता हूँ। तो ये क्या है, हस्तांतरणीय भी नहीं होती, मतलब एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकती। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा मेटेरियल और नॉन मेटेरियल गुड्स में डिफरेंट और इनकी डेफिनेशन वगैरह। अब देखिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, सॉरी नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड में फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट में ऐसे लगा रहा हूँ या तो सेकंड ही देखो। ट्रांसफरेबल गुड्स एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स लिख लेना आगे। एक तो क्या हो जाएगी, ट्रांसफरेबल गुड्स, एक नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, अगर इन देखो तो हस्तांतरण और इसमें अस्थानांतरण, मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले इनका एग्जांपल देखिए दोस्तों। जमीन आ जाएगी, किसी भी मतलब फसल है उसकी उपज वगैरह आ जाएगी, मकान आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वो ही आ जाएंगे शिक्षक। अभी अपन ऊपर देखे थे ना, शिक्षक मान लो, चिकित्सक मान लो, या किसी गायककार की कला मान लो। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफरेबल गुड्स की अगर अपने को डेफिनेशन पूछी है, इसको एक्सप्लेन करना हो तो अपन कैसे करेंगे दोस्तों। ट्रांसफरेबल गुड्स उनको बोलते हैं, जैसे मान लो जमीन है, उपज है,
मकान हैं, इनका अपन क्या कर सकते हैं, स्वामित्व चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है, उसको मैं बेचकर आपको दे सकता हूँ, या आपकी आपका मकान किसी भी फसल की उपज हो, कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको मान लो मैं आपसे ले सकता हूँ और आपको दे भी सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे ट्रांसफरेबल गुड्स। क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरेबल गुड्स, मतलब इसमें क्या हो सकता है, स्वामित्व चेंज, स्वामित्व परिवर्तन कर सकते हैं। मैं मतलब मेरी जो भी मेरे पास है, जैसे जमीन है, मकान है, उपज है, कोई भी बाइक वगैरह है, कुछ भी, मैं स्वामित्व अगर चेंज कर दूँ उसका, क्या कर दूँ, स्वामित्व चेंज कर दूँ, मतलब मेरे पास है किसी अन्य व्यक्ति को दे दूँ, तो वो क्या हो जाएगी, हस्तांतरणीय गुड्स हो जाएगी। अब इतना आप सभी को समझ में आया। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे शिक्षक में पढ़ाने की कला है तो वो खुद की कला को दूसरे को नहीं दे सकता, इसमें क्या नहीं होता, स्वामित्व चेंज नहीं होता, स्वामित्व चेंज नहीं होता, ये किसी व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है। क्या होता है दोस्तों, इंटरनल आंतरिक गुण होता है। इंसान इसका स्वामित्व चेंज कर सकता है, इसका स्वामित्व चेंज नहीं कर सकता, इनकी डेफिनेशन में। एक चीज और, अपने एग्जाम में जो डिफरेंट पूछते हैं, डिफरेंट ज़्यादातर तो इन गुड्स में से ही पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेगा ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स में डिफरेंट लिखिए। आई होप आप दोनों को ये समझ, आप सभी को ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी, कैसे कि इनको क्या कर सकते हैं, स्वामित्व चेंज कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते। इनके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जमीन, उपज, मकान आ जाएंगे, और इधर शिक्षक और चिकित्सक, इनमें ये आंतरिक गुण पाया जाता है, स्वामित्व चेंज नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स, देखिए इसका दो प्रकारों की अपन बात कर ली, अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोडक्शन गुड्स। पहले एग्जांपल लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे दोनों में डिफरेंट। देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वस्त्र, चपाती मतलब भोजन, और फल वगैरह हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ईंधन मान लो, बीज मान लो, और खाद मान। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में अंतर की बात करें तो अपन इनका क्या कर सकते हैं, इनको पहले हिंदी में देखिए, इनको बोलते हैं उपभोग वस्तुएं, और इनको उत्पादन वस्तुएं। इनका सीधा सीधा उपभोग कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, आप वस्त्र, वस्त्रों को डायरेक्ट पहन सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। चपाती मतलब जो भोजन अपना बन गया उसको अपन डायरेक्ट खा सकते हैं। इसके बाद में फल मान लो, फलों को खा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है, वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में जो भी वस्तुएं होती है ना, उत्पादन प्रक्रिया में जो भी वस्तुएं काम में आती है, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में जो वस्तुएं काम में आती है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं प्रोडक्शन गुड्स। मतलब किसी वस्तु की प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वस्तुएं काम में आ रही है, उनको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोडक्शन गुड्स। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन गुड्स। जैसे खाद हो गया, बीज हो गया। अब खाद बीज को आप डायरेक्ट थोड़ा ना खा लोगे, किसी क्रॉप में पहले सीड उगाएंगे, इसके बाद में उसमें इरिगेशन वगैरह करेंगे, प्लांट प्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद में अपन उपज के दौरान उनका यूज कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। पहले तो क्या होगा, पहले उनको मतलब ये रॉ मटेरियल है, इसके अंडर क्या आता है, प्रोडक्शन गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से बता सकता हूँ
ये तो क्या कर सकते हैं, सीधा वो कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें जो वस्तु के उत्पादन में जो भी प्रोसेस होती है, उसमें जो भी वस्तुएं काम में आती है वो प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। और इसमें डायरेक्ट क्या हो सकता है, कंज्यूप्शन कर सकते हैं, मतलब वस्त्र, चपाती, फल आ जाएंगे, इसमें ईंधन, बीज, खाद वगैरह आ जाएंगे। आई होप आप सभी को ये प्रकार समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। क्या होगी? पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। चौथा है सही, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। इनको तो क्या बोलेंगे, पब्लिक गुड्स को क्या बोलेंगे, पब्लिक को बोलेंगे सार्वजनिक वस्तुएं, इनको प्राइवेट, मतलब ये क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति के पास होती है, इसका स्वामित्व किसी विशेष व्यक्ति के पास होता है, पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल देखिए, हॉस्पिटल, स्कूल, इसके अलावा रोड आ जाएगी, रोड। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, विशेष स्वामित्व नहीं होता, विशेष व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता। इसमें विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे मकान आ गए, आभूषण आ गए, इनमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का क्या होता है, स्वामित्व होता है। पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में क्या अंतर है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हॉस्पिटल हो जाएगा, स्कूल आ जाएगी, रोड आ जाएगी, और इसमें विशेष व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता, मतलब ये सभी व्यक्तियों के लिए होती है, समाज के लिए होती है, पर ये किसी विशेष व्यक्ति की होती है, व्यक्ति विशेष की होती है, जैसे मकान हो गए, आभूषण हो गए, ये अपना हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है अपना फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स। क्या है दोस्तों? पांचवा साइड, फ्री गुड्स। इनको नेचुरली भी बोल सकते हैं, ये प्राकृतिक वस्तु ये भी होती है, नेचुरल गुड्स, और ये इकोनॉमिक मतलब आर्थिक वस्तुएं। एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले धूप, हवा, नदी, इसमें तो सभी आ जाएगी, मतलब आर्थिक वस्तुएं। जिन देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी आती है, जिन भी वस्तुओं के बदले अपने को क्या देनी पड़ी, मुद्रा देनी पड़े या खरीदना पड़े, जिन वस्तुओं को क्या करना पड़े, खरीदना पड़े, वो सभी किसमें आएगी, इकोनॉमिक गुड्स में आएगी, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, कुछ भी मान लो, मकान हो गया, वो सभी इकोनॉमिक हो जाएगी। अब फ्री मतलब पैसे नहीं लगेंगे, फ्री गुड्स का मतलब पैसे नहीं लगेंगे, नेचर के द्वारा दी जा रही है, जैसे धूप है, धूप को खरीदने के लिए कोई पैसे थोड़े ना देने पड़ते हैं अपने को, हवा है, कोई नदी है, ये सभी क्या होती है, ये सभी होती है प्रकृति की देन होती है, इनके बदले कोई पैसा नहीं देना पड़ता अपने को, किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता, ये अपने को किसके द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति के द्वारा। इकोनॉमिक में जिन वस्तुओं के बदले अपने को क्या देना पड़े, मुद्रा देनी पड़े, और उन वस्तुओं को क्या करना पड़े, खरीदना पड़े, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इकोनॉमिक गुड्स। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप क्या है, इंटरनल गुड्स एंड एक्सटर्नल गुड्स, लास्ट टाइप है वस्तुओं का। इंटरनल गुड्स एंड मतलब आंतरिक वस्तुएं, एक्सटर्नल। देखिए दोस्तों, इंटरनल गुड्स का एग्जाम्पल देखिए, वो ही आ जाएगा शिक्षक, शिक्षक की पढ़ाने की कला हो जाएगी,
डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, कोई एक्टर हो जाएगा, इन सभी की कलाएं जो होती है वो किस में आती है, आंतरिक गुणों में, मतलब आंतरिक वस्तुओं के अंतर्गत आती है। शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, एक्टर हो गया, मतलब इनको क्या नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ये सभी किस में आएगी, इंटरनल में आएगी। जैसे शिक्षक पढ़ाने की, टीचर की पढ़ाने की कला हो गई, डॉक्टर की इलाज करने की कला हो गई, और एक्टर की एक्टिंग करने की कला हो गई। एक्सटर्नल में क्या आएगी, बाह्य वस्तुओं में आएगी दोस्तों, जिनको देखा भी जा सके, छुआ भी जा सके, वो सभी किस में आएंगी, एक्सटर्नल गुड्स में। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मकान, अपन ने गुड्स के टाइप्स देख लिए। गुड्स के टाइप्स है दोस्तों मुख्यतः छह टाइप्स है, छह के छह की अपन बात कर लिए। अब अपन कल बात करेंगे डिजायर और वांट्स की बात करेंगे। ये जो मैं अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे आज से क्लास स्टार्ट हो गई, गुड्स की हो गई, अपन ने सर्विसेज की डेफिनेशन देख ली, इनमें क्या पूछता है, डेफिनेशन और अंतर, और जो पांच नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग यहीं से पूछा जाता है। जैसे आपके कैपिटल हुआ, मजदूरी हुई, इन सभी में से क्या पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं, और इनमें से क्या पूछता है, जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है वो पूछते हैं, और डिफरेंट पूछते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।